बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मेहुरा सर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के 2020 की तमाम स्नातक की परीक्षाएं, चाहे वो पास कोर्स के हो या अनर्स कोर्स के हो, पार्ट वन, पार्ट टू या पार्ट थ्री, 20 की जो परीक्षाएं हुई उनमें से 17 से 20 के पार्ट थ्री की, वहीं 18 से 21 के पार्ट टू की परीक्षा हो चुकी है। अब बारी है 19 से 22 के पार्ट वन के, जो 20 की ही एग्जाम है लेकिन कोरोना के कारण 20 में नहीं हो पाया, वह 21 में होगा। पार्ट थ्री की परीक्षा जब हुई थी तो कोरोना संकट को देखते हुए सिर्फ थ्योरी के एग्जाम ही लिए गए थे। प्रैक्टिकल में यह फैसला हुआ था कि पार्ट वन और पार्ट टू में जितने भी नंबर्स प्रैक्टिकल में छात्र छात्राओं ने गेन किया है उसी का एक एवरेज निकाला जाएगा और पार्ट थ्री के प्रैक्टिकल में उसी एवरेज के हिसाब से उनको नंबर दिया जाएगा। साथ ही अभी हाल फिलहाल में 18 से 21 के जब पार्ट टू की परीक्षा समाप्त हुई है तो लगभग 10 से 15 दिन तक ये कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि प्रैक्टिकल होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। हालांकि आज ये क्लियर हो पाया है कि पार्ट टू में भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पार्ट टू के प्रैक्टिकल के नंबर्स निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि पार्ट वन के जितने भी प्रैक्टिकल में नंबर्स आए हैं उतना ही नंबर्स पार्ट टू में दिया जाए, या अनर्स और सब्सिडी की कॉपी जब चेक होगी उसी के हिसाब से कोई ना कोई पैरामीटर बैठा करके पार्ट टू के प्रैक्टिकल के भी नंबर्स वहां पर बैठा दिए जाए। 2020 की तमाम तीन स्नातक परीक्षाओं में से पार्ट थ्री और पार्ट टू के एग्जाम्स हुए हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी की ही एग्जाम हुई है। प्रैक्टिकल के नंबर्स एवरेज मार्किंग के आधार पर उनको दिया जाएगा। अब 19 से 22 के पार्ट वन के तमाम परीक्षार्थी जो है उनके मन में एक उम्मीद आई है कि क्या हमें भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, ये अब लगातार पूछे जा रहे। तो फ्रेंड्स साथ ही ये भी एक सवाल आप लोग के माइंड में है कि कम से कम हमारी परीक्षा कब होगी ये बताने की कोशिश करें। तो सबसे पहले परीक्षा कब होगी ये हम बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ने जो डेट विस्तारित की है दूसरी बार, पहली जो तारीख थी वह 20 तारीख तक थी बिना लेट फाइन के साथ, और साथ ही 26 तारीख तक थी लेट फाइन के साथ। अब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है बिना लेट फाइन के साथ 26 तारीख तक, वही लेट फाइन के साथ 5 मार्च तक आपके पार्ट वन के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। जैसा कि आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास तमाम परीक्षार्थी हैं पार्ट वन के, प्रमोटेड वाले और रेगुलर वाले को लेकर के, और यूनिवर्सिटी ने तमाम कॉलेज को आदेश दिया है कि परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा करके 5 तारीख तक परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाना है, और यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड सेक्शन में तमाम फॉर्म को वेरीफाई कर करके कॉलेज फॉर्म वेरीफाई करेगी। वेरीफाई कर करके 8 तारीख तक किसी भी हालत में एडमिट कार्ड सेक्शन में वेरीफाई किया हुआ फॉर्म यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेज को जमा कर देना है। अब यहाँ पर एक आंकड़ा आ बैठा है कि 8 तारीख तक तमाम फॉर्म फिलअप कर करके एडमिट कार्ड सेक्शन में जमा किए जाते हैं, तब जाकर के आपके एडमिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर आंकड़ा है 1.5 लाख। यदि 8 तारीख से भी एडमिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और कुछ फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट किया जाता है, फिर भी ये 1.5 लाख के लिए हम 10 दिन मोटा मोटी मान करके चल लेते हैं। तो 8 तारीख को फॉर्म जमा करेगी तो ये 8 तारीख ही है, और 10 दिन हम वो ले लेते हैं यानी 18 तारीख। मोटा मोटी हम परीक्षा की एक संभावित तिथि की हम बात करें तो 15 मार्च के बाद ही आपके पार्ट वन की परीक्षा संभव है, 15 से पहले शुरू नहीं होने वाली है। आप खुद ये आकलन कर सकते हैं तमाम परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये तो खैर तय है कि 15 मार्च के बाद आपके पार्ट वन की परीक्षा शुरू होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या पार्ट वन के भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे सिर्फ थ्योरी के। तो आज के एक आर्टिकल में छपी ये रिपोर्ट है, आप यहाँ पर देख ले, मात्र एक लाइन आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है यहाँ पर नीचे। नीचे आप देख ले कि यहाँ पर है, आप देख ले यहाँ पर है, कुछ कहा गया है कि बैठक में अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना काल में बार बार प्रैक्टिकल के सामानों को सैनिटाइज करना संभव नहीं है। अब यहाँ पर नीचे देख ले मात्र एक लाइन है कि हालांकि सूत्रों ने बताया है कि पार्ट वन में विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा। विश्वविद्यालय ने इस एक लाइन में तय किया है कि आपके पार्ट वन का थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा।
आपके प्रैक्टिकल किस पेपर में होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में, आर्ट्स और साइंस में कितने नंबर्स के होते हैं, यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप उस वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल कितने नंबर्स के होते हैं पार्ट वन में और कौन कौन से सब्जेक्ट में। यहां पर प्रैक्टिकल पहले होगी या थ्योरी पहले होगी ये अभी कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि आपके प्रैक्टिकल की भी परीक्षा ली जाएगी। तो ये अब तय है कि पार्ट वन का प्रैक्टिकल होगा। तो ये दो कन्फ्यूज़न थी आपके कि एग्ज़ाम कब होंगे और प्रैक्टिकल होगी कि नहीं, वो क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।